एंड हियर इज द गर्ल नैना, जिन्हें फर्स्ट डे कपूर इंडस्ट्रीज के हेड ऑफिस नू हग ला दी सी। नैना एक बारी सारे नाल इंट्रोडक्शन हो जाए। नम्रता गो अहेड। हाय, आई एम नम्रता, एमबीए इन मार्केटिंग फ्रॉम दिल्ली। अपने कॉलेज दी गोल्ड मेडलिस्ट, वो 3 साल तक कंटिन्यूअली डिबेट चैंपियन भी रही हैं। कैंपस प्लेसमेंट तो बाद कपूर इंडस्ट्री जा, वो मार्केटिंग मेरा पैशन है। नैना इट्स योर टर्न, गो अहेड। यस मैम। हाय, आई एम नैना गुलाटी, सरदार बलबीर सिंह मैनेजमेंट विच BBA लास्ट ईयर स्टूडेंट। मीन्स तुम अभी ग्रेजुएट भी नहीं हो? यस, नॉट येट, दिस 15 टू ओवर। यस, बिकॉज़ और कोई अचीवमेंट तो है ही नहीं। क्यों ना ना, एटलीस्ट टेल अस अबाउट योर फैमिली। कि और कुछ नहीं था? यस मैम, मेरे पापा एक एथनिक वेयर शॉप च काम करते हैं, ते मम्मी हाउसवाइफ ने, असी सारे मोहल्ले विच रहने हैं। ते फिर तुसी ऑफिस किवें आउंदे हो? मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? ऑटो च, इत्थों तक ऑटो आंदे ने। ओ, बेस्ट ऑफ लक। नैना जी, एने दी भिलो, साड़ी कंपनी दे फाइनेंस डिपार्टमेंट दे हेड, काफी तजुर्बा है नानू, साड़ी कंपनी दे नाल काफी सालों तो काम कर रहे हैं। एना दी परमिशन दे बिना एक पैसा भी एथे तो उथे नहीं हो सकता। फर्स्ट डे ऑफ जॉब? यस मैम। फर्स्ट जॉब? एंड हजे तक ता इना दी ग्रेजुएशन दी डिग्री भी पूरी नहीं हुई, क्यों ना ना? ओके, जे सिंगल वर्ड विच अपना ड्रीम दास ना होवे ता व्हाट विल यू से? मैं बस एक सिंपल जी जॉब करना चाहती हूँ, वो भी अपने मम्मी पापा ले। वन वर्ड ओनली, फोकस। ओ सिंगल वर्ड आ फोकस। यू नीड फोकस इन योर लाइफ। फोकस सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट आ। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। नैना जी, मैडम कह रही ने हुन जॉब तो मिल गई है, हुन काम कादे वास्ते करना? मजाक नहीं सरताज। सो नैना, ऑफिस विच एक चंगी पोजीशन चाहिए दिया। ऑफ कोर्स आज नहीं, बट किसी दिन। सडी मारा मैडम अंक, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट। यस मैम, जरूर। वेरी गुड, बस फिर तुसी फोकस करना सीखो सही जगह पे। चलो। थैंक यू मैम। हाय, आई एम अर्जुन बजाज, डबल एमबीए फ्रॉम कनाडा, फाइनेंस एंड मार्केटिंग, 3 रिटन टेस्ट एंड 5 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू। इन्नी सख्त मेहनत करने तो बाद ये जॉब मिली है मैनू। कपूर ग्रुप विच इंटरव्यू मारने वास्ते एनी क्वालिफिकेशन ते चाहिए है? एक्चुअली आई नो, बहुत इजीली मिल गई ना जॉब। नो टेस्ट, नो इंटरव्यू एंड मैंने हार्ड वर्क किया। आई एम जेलस ऑफ यू, बहुत ही सड़दा मैं। एज इफ इन्ने साल यूजलैस डिग्रीज विच बर्बाद किए हो। सो नैना, जे अगे वधना है तो ध्यान रखना पूरे वर्ल्ड विच की हो रहा, फाइनेंस मार्केटिंग शेयर एडवरटाइजिंग सब कुछ, एंड अपने फील्ड विच मास्टर बनो। फॉर एग्जाम्पल, मैं नंबर्स नाल खेड़ा खेड़ता, यू नो ये जड़े 2 रुपये सर ने प्लान विचों डिटेक्ट किए, वो मेरा आइडिया सी। सीरियसली अर्जुन, I'm impressed. Well done. जो कुछ पूछना होए, तो ask me anytime. पहले है ना नू ऑफिस दे माहौल दी आदत है पैजे। Anyway, I'm always here. तोड़ी मत वास्ते। वैसे विक्रम सर भी मेरे को उन टिप्स लेने देने, and मैं तोनो भी टिप्स दे सकता। एक मिनट। फाइनली, तुहाडे ऑफिस च कोई तो है जिहदी क्वालिफिकेशन
नैना नाल मैच हुंदी है। साडे बापूजी भी सारा पैसा माहौली जाके फसा दिता, नहीं तो मैं कॉलेज में पढ़ के आंदा सी। इत्थे मैं फतेह मान सी ते इत्थे मैनू सारे रेडियो कहंदे ने। रेडियो ओ क्यों? फतेह मान यानी कि एफएम, ते एफएम यानी कि रेडियो। एफएम चल हुण जा इत्थों रेडियो। नैना जी एने सरदार सुखविंदर सिंह गिल जी। किथे भी कानूनी कुंडी फस जावे ते आइए खोल दे। पंजाब मेल जिन्ना लंबा एक्सपीरियंस है इन्हां दा। हर वेले काम दा बोझ नहीं लईदा पुत्तर जी, कदे कदे मस्तियां करदे वड्डे वड्डे काम सुलझ जांदे ने। एक्सक्यूज मी मैम, सर ने सारियां नूं कॉन्फ्रेंस रूम विच बुलाया सी। ओके वेलकम, आ जाओ आ जाओ। बैठो प्लीज। सारे सारे चौंक गए हो, मैं अचानक ही मीटिंग बुला लेती। एक्चुअली मैं चाहता सी कि आज का दिन असी फन ते एनर्जी दे नाल शुरू करिए। एफएम अज असी एक गेम खेडांगे। गेम? गेम? केड़ी गेम सर? कोई सवाल जवाब नहीं, जो मैं कहांगा वही तुहानू करना है। ओके सब तो पहला अपने वास्ते ताड़ियां मारो। चलो हुण तुहाडे सामने एक टारगेट है। ओके इस पेपर का तुसी प्लेन बनाओगे तो उस टारगेट नू हिट करने की कोशिश करोगे। एनी हाउ ओके यस बहुत सिंपल जो गेम है। लेट्स प्ले इट, लेट्स हैव सम फन। ओके योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Almost. इट्स ओके नैना, तुसी ज्वाइन करना चाहोगे? आ जाओ, इट्स यू आल्सो ज्वाइन, कम ऑन। नैना, व्हाट आर यू डूइंग हियर? ए मीटिंग सीनियर एम्प्लॉइज ले या, प्लीज गो। नैना, कम ऑन, इट्स ओके।
नैना तेरा इधर आना। सारा ने पेपर का प्लेन बनाया ते उन्हों टारगेट नू हिट करने की कोशिश कर रही थी। तुसी ते एक पेपर का बॉल बनाया था और टारगेट नू हिट किता, वाई? सर, बिकॉज मेरा फोकस था टारगेट नू हिट करना सी, इसीलिए मैनू पेपर बॉल वर्गा प्लेन चाहिदा सी। इंटरेस्टिंग। बट सर, इन्हें प्लेन तो बनाया ही नहीं। लेकिन टारगेट ते हिट किता। सर, टारगेट तो हिट किया इन्हें, बट तुसी प्लेन बनाने ले कहा सी। एंड वी ऑल डिड द सेम। नैना ने प्लेन नहीं बनाया सर। भाई नैना के मुताबिक इस प्रॉब्लम नू सॉल्व करने लई एक वखरे प्लेन की लोड़ सी, ते उहदा प्लेन अलग सी, डिफरेंट सी। तुहानू किस कहा कि इको टाइप के प्लेन होंगे? बट सर, साढ़े फादर्स ग्रैंडफादर्स दे टाइम तू पेपर प्लान इज लाइक दैट ओनली। ऐस करके तुसी टारगेट नू हिट नहीं कर पाए। निशाना लाउण लई तुहाडा चॉपर भी वरत्या जा सकदा कपूर साहब। मे बी असी टाइम ते प्लेस कैलकुलेशन नहीं कीती, सो वी फेल्ड। वी मेड अ प्रॉपर प्लेन। होर की कैलकुलेट करना सी सर? मायरा, ਇਹ ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ? ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਪਲੇਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਟਾਈਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਨਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਨਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ ਸੋਚਿਆ। ਬਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। Why can't we do that? But sir, old method ta tried and tested hunde ne. Nave method di success di koi guarantee nahi hundi. 2 rupaye bhi bahut vaddi cheez hundi hai. A simple ji statement Naina ne mainu kahi. Mere waste bahut nahi si. Te main ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਯੂਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਇਆ। ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਨੈਨਾ, ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ। ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਬਾਕਸ ਸੋਚ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨੰਬਰ 1, ਕਿ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਹਰ ਵਾਰ ਨਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਓਕੇ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਬਾਕਸ ਸੋਚਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਸਰਤਾਜ ਜੀ, ਨੈਨਾ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਬੋਨਸ ਦਿਓ, ਨਾਲੇ ਇਸ ਗੇਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਨੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿਓ। ਜੀ ਜਨਾਬ, ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ। ਗੁੱਡ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ? ਵੈਸੇ ਇਹ ਟ੍ਰਿਕ ਮੈਂ UK ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ। ਰਹਿਣ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਹਿੱਟ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਰਾਈਟ? ਵੈਸੇ ਮਾਇਰਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਪਲਾਂਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਯੈਸ ਸਰ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਕਿ ਨੈਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇ। Okay, Nana? Okay, sir. I'll see you all then. Okay, this is a great session. Thank you for coming. Bye-bye. Hello? Haan, sweetie. Kithe hai tu? Main office to kar hi aa rahi si. ਤੂੰ ਨਾ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੂੰ ਨਾ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ। ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਬਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ 4000 ਰੁਪਇਆ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ।
पाजी ओदा भी तुहाडा सरना पैसे दे के ही होना है। तुसी सीधी तरह पैसे वापस करो वरना मैनू कढ़ाउन भी आंदे ने। इस इलाके दे सारे बंदे जानदे मैनू। एक ही बोले जंदे हो पाजी, सानू पता है अही तुहाडे पैसे देने हैं, तुहाडी एक एक पाई अही मोड़ांगे, पर हाले साडे कोल नहीं हैगे, जद होणगे तुहाडा पैसे तुहानू देवांगे। साडे वासे पैसे नहीं हैगे तुहाडे कोल, वड्डिया वड्डिया पार्टियां नू जाणनू हैगे तुहाडे कोल पैसे, ते कुड़ी दे व्याह वास्ते तुसी बजारे कुछ इकट्ठा करके रखिया होया है। ओ एको जी गल नहीं हैगी भाई साहब, असी तां 1000 रुपए महीने की कमेटी भी पाई सीगी, साडे कोल तां ओह वी देन नहीं होई, ते असी कुड़ी दा व्याह कित्थों कर लैणा। खबरदार जी, तुसी एक शब्द भी बोलिया, अही सुनी जा रहे हां, पर अगर मेरी धी दे वास्ते एक शब्द भी बोलिया मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी। गुलाटी जी इन्हां नूं कह दिओ मैं अपनी धी बारे कुछ नहीं सुन सकती हैगी। की बकवास होए, ऐदा बोलन दा की मतलब है तुहाडा? मैनू लगता है तुसी ऐडा नहीं सुधरोगे। जोगिंदर पाजी, तुहाडे कहने पैसे असी पहले नहीं मोड़े, दसो तो सही, ते तुसी इस वार ऐडा क्यों औखा हुंदे पए हो? पुरानी गल्ला छड्डो जी, मैं ते कहंदा तुसी हिसाब ही बंद करो, ना सानू चाहना पवेगा ना तुहानू साडा चेहरा वेखना पवेगा। किस तरह की गल्ला करते पे हो भाई साहब, साडा कोई लैन देन अजदा है? मैं तुहाडे कहने पैसे नहीं मोड़ने हैगे, मैं तुहाडा एक एक रुपया वापस मोड़ांगा। हिसाब तो होया पिया जी, तुसी दसो पैसे कदों मंडोगे? एक तारीख दे दो सानू। आज आज की तरीक दे विच तुहाडे सारयां दे पैसे मोड़ देंगी मैं। नैना पुत, तू अंदर चल। नहीं पापा जी, आज मैं इन्हां दे पैसे मोड़ के ही अंदर जाऊंगी। जे आएंगे पैसे तन मोड़ो होने, सानू और की चाहिदा है? ब्याज भावे तुसी बाद च दे देना, पर तुसी मूल ते वापस करो। नहीं अंकल जी, इंटरेस्ट भी तुहानू अज ही मिल जाएगा। नैना पुत, ये की कह रही है तू? ਕਿੱਥੋਂ ਮੋੜੇਂਗੀ ਪੈਸੇ ਤੂੰ? ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਿਆ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਘੜਾ ਭਲਾ? ਆ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਘੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਖਤਮ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਕੀਰ ਹੈਗੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨਾ ਵਾਪਸ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆ ਗਏ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਚਲੀਏ। ਚਲੋ ਪਾਪਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਚਲੀਏ। ਨੈਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਵਿਕਰਮ ਸਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਬੋਨਸ? ਹਾਂਜੀ, ਵਿਕਰਮ ਸਰ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਡਾਰਟ ਬੋਰਡ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਡਾਰਟ ਬੋਰਡ? ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੋਲਾ ਮਿਲੇ ਐਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ? ਹਾਂ। ਨੈਨਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸ। ਅੱਗੇ ਕੀ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਲਿੱਤਾ, ਗੋਲਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਕਰਮ ਸਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਬੋਨਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਐਡੀ ਸਿਆਣੀ। ਕਿਰਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ ਹੈਗਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਿਆਓ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਛੋਲੇ ਵਾਲੀ ਹੇਮਾ ਮਾਲਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਖੁਸ਼। ਕਿਰਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੱਥ ਤਾਂ ਲਿਆਓ।
लो जी तेरी लेके आई है तेरे हस्ते मैं ना पूरी गली खड़ा प्रसाद वंडूंगी।